हेलो पिलामाने, गत वीडियो रे आमे समभग्नांश बा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विषय रे जानिलु। एही वीडियो रे आमे एहार किछि मजेदार उदाहरण देखिबा। आजि बब्बन, गोलू ओ चंदा बड़वले दादांक दोकान को कपड़ा किणिबाकु आसिछन्ति। बब्बन एही डिजाइन रो 18 मीटर कपड़ा किणिला। गोलू एही डिजाइन रो 18 मीटर कपड़ा किणिला ओ चंदा भी एही डिजाइन रो 18 मीटर कपड़ा किणिला। जेते बेले बब्बन तार घरे पहुंचिला, से भाबिला जे तार कपड़ा रो 1/3 एक तृतीयांश गोलू को देई दब एवं ता थारु तार कपड़ा रो समान लंबर कपड़ा नै जीव। एही परी उभयंक पाखरे दुईटी अलगा अलगा डिजाइन रो कपड़ा हि जीव। पिला माने कोन तुमे कहि पारिबो कि जे बब्बन निजर कपड़ार 1/3 बा 1/3 किपरि करिब एवं ताहा केते लंबा हबो। तुमे जदि चाह वीडियो को पॉज करी एहार उत्तर खोजि पारिब। बिल्कुल ठीक, बब्बन एही परि निजर कपड़ा को तीनोटी समान खंडरे काटी सेथिरु गोटिए खंड बाहर कला ओ एही परि कपड़ा को 1/3 बा 1/3 कला, अर्थात तीनोटी समान भागरु एक भाग। 18 मीटर रो जदि आमे तीनोटी समान भागरे बांटीबा तेबे प्रति भागरे 6 मीटर हेबो। तमे जदि चाह देखि पारिबो, एही प्रथम भाग 6 मीटर, द्वितीय भाग मध्य 6 मीटर ओ तृतीय भाग मध्य 6 मीटर अटे। 6 मीटर रे 6 मीटर ओ 6 मीटर को मिसाइले 18 मीटर हबो। एही परि बब्बन रा कपड़ा रा 1/3 बा 1/3 6 मीटर लंबा हबो। बब्बन तार कपड़ा रा 1/3 नै गोलू घरे पहुंची गला। से गोलू को तार भाभी थिबा कथा कहिला ओ गोलू राजी हे गला। किंतु गोटिए समस्या थिला, गोलू तार कपड़ा को 6 समान भागरे काटी सारी थिला। कौन तुमे कहि पारिबो कि जे एबे गोलू बब्बन को तार कपड़ा समान लंबर कपड़ा केमिति दबो? आसंतु देखिबा। गोलू निजर कपड़ार भाग को एपरि रखिला ओ ठीक एहा उपरे बब्बन रा कपड़ार भाग को रखिला। एबे से देखिला जे तार कपड़ार दुई भाग बब्बन रा कपड़ार एक भागर सह समान अटे। कोन तुमको मध्य सेया लागुछि? एहार अर्थ बब्बन रा कपड़ार 1/3 भाग एवं गोलू रा कपड़ार 2/6 भाग समान अटे। आसंतु एहाकु आउ एक प्रकार रे देखिबा। आमे एही वीडियो रा प्रारंभ रे देखिलु जे बब्बन रा कपड़ार 1/3 भाग 6 मीटर लंबा अटे, गोलू रा कपड़ार लंबा मध्य 18 मीटर अटे ओ से तार कपड़ा को 6 समान भाग करिछि। तेणु एक भागर लंबा केते मीटर हबो बा 18 मीटर रा 1/6 भाग केते मीटर लंबा हबो? 3 मीटर। किंतु गोलू तो बब्बन को 2/6 भाग देइछि, अर्थात 6/2 भाग देइछि। एही परि गोलू बब्बन को 2×3 बा 6 मीटर लंबा कपड़ा देइछि। तेणु देखिला पिला माने, गोलू बब्बन को बिल्कुल समान लंबर कपड़ा देइछि। एठारे बब्बन एवं गोलूर कपड़ार लंबा समान अटे एवं बब्बन र कपड़ार 1/3 भाग गोलूर कपड़ार 2/6 भाग सह समान अटे। एथिपाई दुईटी भग्नांश समभग्नांश बा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अटे। बब्बन गोलूर कपड़ा नै निज घर को चली गला। घर को जाई से चिंता कला जे तार कपड़ार 1/3 भाग
ଚନ୍ଦାର କପଡ଼ାର ସମାନ ଭାଗ ସହିତ ବି ବଦଳ କରିଦେବ। ଏହିପରି ତା ପାଖରେ ତିନୋଟି ଡିଜାଇନର କପଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର କପଡ଼ାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଭାଗ ନେଇ ଚନ୍ଦା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଚନ୍ଦାକୁ ବି ସେ ଭାବିଥିବା କଥା କହିଲା ଓ ଚନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା ନିଜର କପଡ଼ାକୁ ନଅ ସମାନ ଭାଗରେ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦା ବବନକୁ ତାର କପଡ଼ାର ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ଲମ୍ବାର କପଡ଼ା କିପରି ଦେବ? ଚନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଗୋଲୁ ପରି ନିଜର କପଡ଼ାର ଭାଗକୁ ଏହିପରି ରଖିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହା ଉପରେ ବବନର କପଡ଼ାର ଭାଗକୁ ରଖିଦେଲା। ଏବେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର କପଡ଼ାର ତିନି ଭାଗ ବବନର କପଡ଼ାର ଏକ ଭାଗ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଚନ୍ଦା ଠିକ୍ ଭାବୁଛି? କ'ଣ ବବନର କପଡ଼ାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଭାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦାର କପଡ଼ାର ତିନି ବିଭକ୍ତ ନଅ ଭାଗ ସମାନ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଏକ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବବନର କପଡ଼ାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଭାଗ ଛ ମିଟରର ଅଟେ। ଚନ୍ଦାର କପଡ଼ାର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଠର ମିଟର ଅଟେ ଓ ସେ ତାର କପଡ଼ାକୁ ନଅ ସମାନ ଭାଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଏକ ଭାଗର ଲମ୍ବ କେତେ ମିଟର ହେବ? ବା ଅଠର ମିଟରର ଏକ ବିଭକ୍ତ ନଅ ଭାଗ କେତେ ମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ? ଦୁଇ ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା ତ ବବନକୁ ତିନି ବିଭକ୍ତ ନଅ ଭାଗ ବା ନଅରୁ ତିନି ଭାଗ ଦେଇଛି। ଏହିପରି ଚନ୍ଦା ବବନକୁ ତିନି ଗୁଣା ଦୁଇ ବା ଛ ମିଟର ଲମ୍ବା କପଡ଼ା ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦାର କପଡ଼ାର ତିନି ବିଭକ୍ତ ନଅ ଭାଗ ବବନର କପଡ଼ାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଭାଗ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଅଟେ। ଏହିପରି ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ସମାନ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଛ ସମାନ ତିନି ବିଭକ୍ତ ନଅ। ଏହା ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଅଟେ। ବବନ ଚନ୍ଦାଠାରୁ ତାର କପଡ଼ାର ତିନି ବିଭକ୍ତ ନଅ ଭାଗ ନେଲା ଓ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ।